आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा एक बार फिर प्रस्तुत हूं विराट 24 की खास खबर के साथ। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जिसमें पत्रकार और उसकी पत्रकारिता की सच्चाई कुछ दिन में उजागर हो जाती है। जो चाहे जिस उद्देश्य से इस पेशे में उतरे उसकी सच्चाई कुछ ही दिनों में समाज के सामने आ ही जाती है। पत्रकारिता की चमक धमक लोग ज्यादा देखते हैं, इसकी सच्चाई को कम, और यही कारण है कि ये ब्लैकमेलिंग और अपने काले कारनामों को छिपाने का एक अच्छा माध्यम बन गया है, खासकर इन दिनों जब सोशल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। तब तो जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है वही पत्रकार है। यही कारण है कि आज पुलिस प्रशासन, नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं जो आंख बंद कर किसी के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया में वायरल कर दे। अगर ये कहें कि ये मीडिया वाले नेता अधिकारियों के आईटी सेल के सदस्य बनकर रह गए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण है कि इस तरह के तथाकथित पत्रकार जमकर फल फूल भी रहे हैं, जिनका उपयोग प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेता कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वर्षों से पत्रकारिता करने वाले भी इनके सामने बौने साबित होते हैं और अपनी छवि बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये तथाकथित पत्रकार पुलिस प्रशासन के लिए दलाली का काम कर अपने आप को और पुलिस को भी सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां 3 साल पहले कमल सिंह नाम का युवक पहले राजनीति करने के नाम पर मैदान में उतरा और धड़ाधड़ कांग्रेस बीजेपी नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाई और इसके बाद उसका असली रूप दिखा। इन्हीं नेताओं, अधिकारियों की फोटो दिखाकर सेना से रिटायरमेंट हुए कई जवानों के साथ बेरोजगारों की भी गाढ़ी कमाई हजम कर लिया। ठगी भी इतनी सफाई से कि नटवर लाल को भी पीछे छोड़ दे। आपको बता दें कि आरोपी कमल सिंह जवा तहसील के कोटरा खुर्द का रहने वाला है, जिसके द्वारा करोड़ों की ठगी की गई थी, जिसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्जनों प्रकरण दर्ज हुए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं जेल से छूटने के बाद उसका तीसरा चरण शुरू हुआ और वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा जमाए कुछ वसूलीबाज पत्रकारों, जिनके खिलाफ खाना खाकर पैसा ना देना, बाईपास में अवैध वाहनों से वसूली करना, टैक्सी स्टैंड, अस्पताल, महिला गैस एजेंसी संचालक, ग्राम पंचायतों में ब्लैकमेल करके लोगों को प्रताड़ित करने की शिकायतें दर्ज हैं, उनकी टीम में शामिल हो गया और इसका तीसरा रोजगार भी शुरू हो गया। इसी रोजगार का फायदा उठाते हुए नशीले कप सिरप, शराब की तस्करी से जुड़ गया और काले कलर की एक्सयूवी से तफरी कर धौंस दिखाने लगा। जिन पत्रकारों के द्वारा इसके काले कारनामों को उजागर किया गया था, उन्हीं के खिलाफ अब यह साजिश रचने लगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि पत्रकारिता ऐसा पेशा है कि कुछ ही दिनों में कलई खुल जाती है, और हुआ भी वही। चारघाट पुलिस ने इसके वाहन को पकड़ा जिसमें शराब और कोरेक्स बरामद हुई, लेकिन आरोपी फिर पत्रकारिता और वसूलीबाज पुलिस कर्मियों के सहयोग से भाग निकला, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इस दौरान आरोपी कमल सिंह ने उन्हीं वसूलीबाज पत्रकारों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा जमाया और हर छोटे बड़े मामले में एडिशनल SP से लेकर SP कलेक्टर से मिलकर वर्जन लेता रहा, कलेक्ट्रेट में आयोजित सभाओं में बैठता रहा और अपने आप को बचाता रहा। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा चलाए जा रहे फरार आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत चाघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को सूचना मिली कि आरोपी इन दिनों पत्रकारिता का चोला ओढ़कर अपने वसूलीबाज साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अपना अड्डा बना लिया है, जहां बैठा हुआ है। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया तो जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिटायर्ड सेना के जवानों के साथ धोखाधड़ी, शिल्पी प्लाजा में व्यापारी के साथ ठगी कर AC लगवाने जैसे कई मामलों का रिकॉर्ड भी पुलिस के द्वारा सम्मिलित किया गया है। इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि वर्षों से पत्रकारिता को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले लोगों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिसमें नेता अधिकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिनके पास किसी भी प्रकार की कमाई का जरिया नहीं है, कोई आय का स्रोत नहीं है, फिर भी महंगी गाड़ियों से दिन भर फर्राटे मारते हैं, दुपहिया वाहनों और एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, पकड़े जाने के बाद नेताओं के लिए खबरें लिखने लगते हैं, आखिर पैसा आता कहां से है? आप समझ गए होंगे। क्या नेता अधिकारी अपने
आईटी सेल का सदस्य बनाकर ईमानदारी से पत्रकारिता करने वालों के खिलाफ साजिश रचने के लिए फील्ड में इन्हें उतारते हैं और सच्चाई दिखाने वालों के खिलाफ इन्हीं से उनके खिलाफ पोस्ट करवाते हैं। वही पुलिस प्रशासन को चाहिए कि एंड्रॉयड मोबाइल लेकर नेता अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर जो दुरुपयोग कर रहे हैं इनके कार्यालय, इनके न्यूज़पेपर, इनके न्यूज चैनल की जांच पड़ताल करें। इसके साथ ही जिले के वरिष्ठ पत्रकारों को भी चाहिए कि अपने लाभ के लिए इनको संरक्षण देने की बजाय इन्हें बेनकाब करें, जिससे पत्रकारिता और पत्रकार अपना स्वाभिमान बनाए रखे और निष्पक्ष शासन, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।